आज मैं आपके साथ एक बुक रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ। इट्स नॉट अ कंप्लीट बुक रिव्यू, बट एक बुक मैंने पढ़ना शुरू की है जिसका नाम है द हैप्पीनेस इक्वेशन। द हैप्पीनेस इक्वेशन में कहते हैं वॉन्ट नथिंग डू एनीथिंग हैव एवरी। तो ये बुक जो पढ़ना शुरू की है, इसके चैप्टर वन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ शेयर। ये जब से हम पैदा हुए हैं, हमें जो हैप्पीनेस का मॉडल पढ़ाया जा रहा है वो बैकवर्ड है, वो ठीक नहीं है। एक्चुअली हमें शुरू से बताया गया है कि आप मेहनत करो बहुत सारी कामयाबी हासिल करोगे और फिर खुश हो गया, ऐसा है कि नहीं? पहले मेहनत करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, जान मारोगे, पागल हो जाओगे, फिर उसके बाद बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, पैसा आएगा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, व्हाटएवर, और उससे फिर हम खुश होंगे। ऑथर कहता है इसको अगर आप उल्टा कर दो, बी हैप्पी, वर्क हार्ड एंड गेट अ बिग सक्सेस। बी हैप्पी क्यों? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट्स दैट हैप्पी पीपल आर 31% मोर प्रोडक्टिव, 37% हायर सेल्स, आर 3% मोर क्रिएटिव देन देयर काउंटरपार्ट्स। ये है सारी बात। जो लोग लाइफ में खुश होते हैं वो उन लोगों से जो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते 31% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, 37% ज्यादा सेल्स करते हैं जो सेल्स प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं, और 3 गुना ज्यादा क्रिएटिव होते हैं उन लोगों से जो खुश नहीं है। अगर आप खुश हैं और खुशी से कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, आप बहुत आगे निकल जाते हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं, आप यू कैन गिव योर 100% इन दैट। सो इसलिए पहले मेहनत करो, फिर कामयाब हो, फिर खुश हो, ये वाली इक्वेशन गलत हो गई। इसका मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुश हो जो काम कर रहे हो। अच्छा, वो कैसे होगा? ऐसा काम ढूंढ लो जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, या वो या जो काम कर रहे हो उसी में अपने आप को खुश करने का फन सीख लो। सो खुश, मेहनत, कामयाबी। अगर आप कामयाब ना भी हुए तो आप ये करते 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 प्रोसेस को इतना एंजॉय करोगे कि आपकी लाइफ में एक पीछे देखोगे तो एक खुशी और सुकून और एक मुतमईन सी जिंदगी होगी। कौन है इस लाइफ में जो खुश नहीं रहना चाहता? कुछ हास अपनी खुशी को और चीजों के साथ रिलेट ना करो, लिंक ना करो। मिसाल के तौर पे, मैं जब ईद आएगी तो खुश होऊंगा, मैं जब कपड़े नए खरीदूंगा तो खुश होऊंगा, मैं जब कामयाब हो जाऊंगा, जब मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा, जब मैं शादी कर लूंगा, जब मैं व्हाटएवर। अपनी खुशियों को चीजों के साथ लिंक ना करो, वरना आपको पूरी लाइफ मिजरेबल लाइफ गुजारनी पड़ेगी। कभी कोई चीज मिलती है, कभी नहीं, कभी कुछ होता है, कभी नहीं। सो अपने आप को खुश रहना रखना सिखाओ, बहुत जरूरी है। खुश होगे सब हो जाएगा सही। आज खुश रहना, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आज आज खुश रहना। याद रखो आज कैसे खुश रह सकते हैं, ये देखो क्या काम करके आपको खुशी मिलेगी आज, वो करो। किससे मिलके आज खुशी मिलेगी उससे मिलो, किससे बात करके आज खुशी मिलेगी उससे बात करो, कौन से टास्क कंप्लीट करके आज खुशी मिलेगी आपको वो करो।